आपने मीशो एप्लीकेशन से कोई भी सामान को ऑर्डर किए थे, वो सामान आपने रिटर्न देना चाहते हो और आप अपना पैसा को लेना चाहते हो, तो आप कैसे लोगे? तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैंने एक मीशो से सामान ऑर्डर किए थे, वो सामान मैं कैंसिल करूँगा, यानी कि रिफंड के लिए मैं रिक्वेस्ट चलूँगा, और कैसे रिफंड लेना ये भी आपको बताने वाला हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, फाइनली मीशो एप्लीकेशन ओपन कर ले। अभी आपको करना क्या होगा, सिंपल देखिए, जहाँ पे माय ऑर्डर लिखा होगा, सिंपल माय ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आपने माय ऑर्डर पे क्लिक करोगे, सिंपल आपका ऑर्डर किया हुआ सामान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप कौन से सामान को रिटर्न देना चाहते हो, सामान को जस्ट क्लिक कर देना है। और इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको रिटर्न पॉलिसी भी होना चाहिए। आप जो भी सामान को रिटर्न देना चाहते हो, इससे पहले पॉलिसी को देख लीजिएगा कि रिटर्न होगा या नहीं। आपने जैसे कि सामान ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करने से पहले भी आप रिटर्न पॉलिसी को देख लेना है कि वो जो प्रोडक्ट आप जो ऑर्डर कर रहे हो के बाद में रिटर्न हो सकता है या नहीं। सिम में देखिए, जो मैं प्रोडक्ट को ऑर्डर किए थे जो रिटर्न भी होने वाले, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। जस्ट जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक किया, अभी सिम मुझे नीचे की ओर चला आना है। जैसे कि नीचे की ओर चलाऊँगा, सिम देखिए रिटर्न एक्सचेंज ऑर्डर, तो सिम इसके ऊपर जस्ट मुझे पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सिम अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मैं किस रीज़न के लिए मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, तो ये मुझे अभी रीज़न देना है। तो सिम देखिए साइज़ फिट इशू में यहाँ पे क्लिक करूँगा, साइज़ फिट इशू पे क्लिक करूँगा। सिम देखिए लिखा है डो नॉट लाइक फिट, तो दिस फिट, तो सिम इसके ऊपर जस्ट क्लिक कर देना है। अब भी देख सकते हो मेरे सामने दो ऑप्शन है, देखिए रिटर्न और एक्सचेंज। एक्सचेंज की मतलब है कि आपको एक्सचेंज करके फिर से आपको दोबारा एक नया दिया जाएगा, आप एक्सचेंज कर सकते हो। मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा, एक्सचेंज में आप साइज़ वगैरह फिर से दोबारा ले सकते हो। मैं सिर्फ बताया कि रिटर्न लेने वाला हूँ, इनका जो पैसा है तो मैं पैसे को रिटर्न लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए करूँगा क्या, सिंपल रिटर्न, देखिए रिटर्न पर क्लिक कर दूँगा। अभी सिम रिटर्न के लिए जैसे कि आपने क्लिक कर उसी में देख सकते पिक अप एड्रेस, तो पिकअप एड्रेस भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो सिम आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे कि सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, अभी सिम देखिए यू पे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हो। और देखिए नीचे लिखा बैंक ट्रांसफ़र, आप चाहो तो बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। बैंक ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करोगे, सिम आपको बैंक डिटेल्स देना है। आपको यू पे भी क्लिक करोगे, सिम आपको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का यू पे आईडी आपको दे देना है। सिंपल मैंने जस्ट पे यू पे आईडी सिलेक्ट कर लिया हो, यू पे आईडी सिलेक्ट करने के बाद सिम कंटिन्यू पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक किया, देख सकते हो जस्ट अभी सक्स देखिए रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट हो गया। देख सकते हो चार एक देखिए SMS भी रिसीव हो गया। देखिए यहाँ पे पिकअप देखिए डेट देखिए पिकअप भाई 4 जनवरी, देखिए 4 जनवरी तक ये पिकअप हो जाएगा, देख सकते हो इस पर कैसे। अभी सिमल कंटिन्यू टू शॉपिंग पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो पैसा है आपका बैंक अकाउंट में रिफंड किया जाता है, जैसे कि आपका सामान चला जाएगा, चला जाने के बाद 3 दिनों के अंदर, सातों सात तो आ ही जाता है ज़्यादातर केसेस में, 3 दिनों के अंदर आपका बैंक अकाउंट पर पैसा रिटर्न चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जो बॉक्स मिला हुआ था, जो पैकेज आपको मिला हुआ था, तो पैकेज को घूम मत कीजिएगा। सिंपल आपको जैसा प्रोडक्ट मिला हुआ था सेम वही ऐसे पैकेट करके रख दीजिएगा। जैसे वो कॉल आएगा कि आपका रिटर्न है, तो सिंपल आपको उनको जाकर देना है और कुछ पूछा तो आपको बता देना कि इस रीज़न के लिए मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप रिटर्न तो कर दोगे, तो आपको पैसा कैश के थ्रू आपको नहीं मिलेगा। आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे ऑर्डर तो दे दो, पैसा भी मुझे कैश मिलेगा, तो कैश आपको पेमेंट नहीं मिलता है। सिंपल आपको बैंक अकाउंट देना ही है, आप बैंक अकाउंट दोगे तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। ओके, तो सिंपल आपको टेंशन नहीं लेना, आपका बैंक अकाउंट में पैसा चला आया था। इस प्रकार से आप रिटर्न दे सकते हो कोई भी सामान हो तो। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।